सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस अगेन। आज एक और वीडियो लाया हूँ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। सो सरप्राइज़ तो ये था गाइस कि एक न्यू प्रोजेक्ट को नीचे से लेके ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर फिनिशिंग लेवल तक प्रोजेक्ट ख़त्म करने तक क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है एक प्रोजेक्ट को, वो सारी चीज़ें मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ एक नए प्रोजेक्ट पे। एक पूरा एक केस स्टडी समझ लीजिए एक तरीके का, कि एक 20 माले की 15 माले की बिल्डिंग में जब स्टार्टअप होता है तो डे बाय डे एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसेस वर्क्स और जो इंजीनियर्स काम करते हैं उसके लिए मैं एक पूरी सीरीज़ ला रहा हूँ, जिसका पहला वीडियो मैंने डाल चुका है न्यू प्रोजेक्ट करके। ओके बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है गाइस। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होगी। मैं एक इन डिटेल बात करूँगा सारी वीडियो में, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग डिटेल करूँगा, डिस्कस करूँगा। ओके चाहे वो साइट से रिलेटेड हो, चाहे ऑफिस से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, प्लान हो, स्टोर रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो। ओके ये पूरी सीरीज़ देखना गाइस। ईजीली आप कोई भी प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैनेजमेंट लेवल पे, साइट इंजीनियर लेवल पे, कोई भी लेवल पे आप साइट को एग्जीक्यूट इजीली कर सकते हैं। ओके तो इससे पहले मैंने बात की थी कि अपने पास डिमार्केशन रहना चाहिए, सेंटर लाइन रहना चाहिए, फुटिंग शेड्यूल रहना चाहिए और कॉलम शेड्यूल रहना चाहिए। तो आगे इसी को कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ कि इसके बाद क्या करना है, क्या चीज़ कन्फर्म रहना चाहिए, क्या चीज़ पहले से अपनी डिसाइडेड रहना चाहिए। ओके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब और इस वीडियो को रिकमेंड करे, आगे भेजे। ओके तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो न्यू प्रोजेक्ट का एपिसोड नंबर 2 है। ओके सबसे पहले तो आपके पास क्या क्या रहना चाहिए, पहले वीडियो में जो मैंने बताया था सेंटर लाइन प्लान, सबसे पहले डिमार्केशन प्लान, आपका डिमार्केशन चेक हो जाए आर्किटेक्ट और लाइजनिंग और प्राइवेट आर्किटेक्ट से। उसके बाद आपका सेंटर लाइन आना चाहिए, फुटिंग शेड्यूल, कॉलम शेड्यूल, तो ये आपका ड्राइंग तो आपका साइट स्टार्ट होगा। ये सारी ड्राइंग्स रहेगी तो ये आपका साइट स्टार्ट होगा। ओके वो जो गवर्नमेंट से पास कराना है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसका भी एक प्रोसीजर रहेगा, तो वो मैं एक इन डिटेल अभी ले रहा हूँ ज़रा सा डेटा, तो वो सारी चीज़ें मुझे अगर क्लियर हो जाएगी तो ही मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि जो वीडियोस मैं बनाता हूँ गाइज वो एकदम परफेक्ट रहती है, जो मुझे पता है मैं वही वीडियो बनाता हूँ। अगर कुछ नहीं पता है तो पहले मैं खुद उसको सीखता हूँ, उसके बाद वीडियोस बनाता हूँ, जो काम की होगी वही वीडियो बनाऊँगा, और जो मुझे चीज़ पता रहेगी, इन डिटेल पता रहेगी, इन डेप्थ पता रहेगी, वही वीडियो बनाऊँगा। अभी वो सारी चीज़ें हो गई, उससे अब ये सारी चीज़ें आने के बाद सबसे पहली चीज़ जो अपनी आती है वो दो चीज़ होती है, एक तो एक्सकावेशन कॉन्ट्रैक्टर, दूसरी आती है अपनी स्टील। BBS आपका रेडी रहना चाहिए तो ही आप स्टील ऑर्डर कर सकते हैं। ओके एज अ बिल्डर आप काम कर रहे हैं, एज अ क्लाइंट काम कर रहे हैं, तो दो चीज़, एक आपका कॉन्ट्रैक्टर फाइनल होना चाहिए पहले से ही एक्सकावेशन के लिए। ओके एक ड्राइंग फाइनल हो गई, डेप मिल गया, सब कुछ मिल गया, साइज़ मिल गया, आपके पास सर्वेयर रेगुलर रहना चाहिए, फुटिंग फाउंडेशन में सर्वेयर जो होता है वो रेगुलर चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज़ आपका मार्किंग गलत हो जाएगा, आपका जो मार्क आपने किया हुआ है वो रॉन्ग हो सकता है, और आपका जो बिल्डिंग है वो कभी नहीं भी बैठ सकता है और प्रॉब्लम्स आ सकती है। और अगर कहीं क्रॉस बिल्डिंग है, चलो स्क्वायर शेप है, तो वहाँ पे आप चला सकते हो, थोड़ा सा क्या है रेफरेंस पॉइंट एक्स वाई ले लिए थोड़ा सा, तो वहाँ पे आपका चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर क्रॉस है बहुत मुश्किल हो जाती है, तो अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, आपको सर्वेयर रिक्वायर्ड ही है, आपको लगेगा ही सर्वेयर। ओके या तो आप बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप खुद अपने लिए रख लीजिए, अदरवाइज़ थर्ड पार्टी हायर कर सकते हैं। ओके सबसे बड़ी चीज़, तीन चीज़ हो गई अभी तो, सर्वेयर, सबसे पहले एक्सकवेशन कॉन्ट्रैक्टर, BBS रेडी रहना चाहिए आपके पास, बार बेंडिंग शेड्यूल, फुटिंग का, कॉलम का, कि आपका जो चाल है, जो वर्क फ्रंट है, जो आप बनाने वाले हैं उसमें कितना स्टील लगेगा। अगर आपका कैलकुलेशन नहीं है तो आप किस हिसाब से मंगाएंगे स्टील, ऑर्डर कैसे करेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपके पास रहना चाहिए ड्राइंग्स, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो नहीं देखा है तो चैनल आप चैनल पर विजिट कीजिए, फर्स्ट वीडियो न्यू प्रोजेक्ट का आप देख सकते हैं क्या डिस्कस मैंने किया था। ओके अभी सबसे पहली तीन चीज़ एक्सकवेशन कॉन्ट्रैक्टर। ओके उसके बाद आपका RCC कॉन्ट्रैक्टर तो फाइनल करना ही है, दो चीज़। उसके बाद आपका तीसरा जो आता है वो आता है BBS, अब वो चाहे आप क्लाइंट्स लें चाहे कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करें आपको। उसके बाद चौथा जो सर्वेयर आपके पास रेगुलर रहना चाहिए।
ओके, सारी चीज़ें मैंने बता दिया, क्यों BBS लेना है, क्यों क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया। इसके आगे एक्सकर्शन कॉन्ट्रैक्टर आपका फाइनल हो गया, ड्राइंग फाइनल हो गया, सर्वेयर को बुला के आपने मार्किंग करवा लिया, ओके। मार्किंग कराने के बाद दूसरे दिन या उसी दिन चाल दे दीजिए आप एक्सकर्शन को, एक्सकर्शन के लिए, ओके। सो सारी चीज़ें, रॉयल्टी वगैरह जो होती है, एक्सकर्शन कॉन्ट्रैक्टर वो अपना संभाल लेगा, क्या है कैसे कराना है वो सिस्टम अपना बैठा लेगा, उसको प्रॉपरली आता है कैसे काम करना है। बस सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है कि जो मार्किंग किया हुआ उसी के अंदर एक्सकर्शन हो रहा है, और जो रिक्वायर्ड डेप्थ है वो रिक्वायर्ड डेप्थ में आपको काम हो रहा है कि नहीं, पता चला आप ध्यान नहीं दे रहे और डेप्थ और एक्स्ट्रा करते जा रहा, फिर आपको तो प्लम करना पड़ जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्सकर्शन में बहुत ध्यान देना है गाइस, कहाँ सॉफ्ट लग रहा है, सॉफ्ट सॉइल है कि हार्ड सॉइल है, क्योंकि बिलिंग में भी आपको लगने वाला है सॉफ्ट सॉइल का अलग रेट रहता है, हार्ड सॉइल का अलग रेट रहता है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करेंगे तो दो चीज़ है, दो रेट रहेगा, MQ पे रेट रहता है, क्यूबिक मीटर पे, एक्सकर्शन वालों का, ओके। और दो चीज़ होता है, एक सॉफ्ट सॉइल, एक हार्ड रॉक, दोनों का अलग रेट होता है। तो वो भी सारी चीज़ें देखना है कि आपका जो लेवल था 0-0 था, वहाँ से 2 मीटर तक आपका सॉइल सॉफ्ट है, उसके बाद आपका हार्ड सॉइल हार्ड रॉक है, तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करना है कि 3 मीटर आपको एक्सकर्शन अगर करना है तो 2 मीटर टॉप से आपका सॉफ्ट है, 1 मीटर आपका हार्ड है, तो वो हिसाब से एरिया निकाल कर, वॉल्यूम निकाल, एरिया निकाल के इंटू हाइट आप वॉल्यूम निकाल के उनको उनकी बिलिंग कर सकते हैं, सॉफ्ट का और हार्ड का अलग, ओके। तो ये चीज़ें जो है वो आपको क्लियर रहना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करना है, सॉफ्ट हार्ड का अलग रेट होगा, उसको चाल देना है, रोज़ चाल देना है। एक चीज़ कंस्ट्रक्शन लाइन में आप क्लियर रखिए, ध्यान दीजिए कि कोई भी आदमी, कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो फिटर हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे एक्सकवेशन वाला हो, चाहे टाइलिंग वाला हो, फिनिशिंग वाला हो, कोई भी एक्टिविटी आप उसको रुकाइए नहीं। ऐसा प्लान कीजिए कि हर आदमी को, हर स्किल पर्सन को वैसा चाल रहना चाहिए, रोज़ चाल रहना चाहिए, ओके। सो ऐसा प्लानिंग रहना चाहिए कि फिटर का आज चाल है, कल क्या चाल है, कारपेंटर का क्या चाल है, आप उसको एक दिन पहले ही डिसाइड कीजिए कि एक्सकवेशन वाले को कल क्या चाल देना है, फिटर को क्या चाल देना है, क्योंकि सबसे पहले एक्सकवेशन होने के बाद PCC होगा, PCC के बाद सीधा फिटर को चाल जाएगा, छोटी छोटी फुटिंग है तो शटरिंग करेगा कारपेंटर, उसके बाद फिटर को चाल जाएगा, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं, आपके पास ड्राइंग आ गई, सब कुछ फाइनल करना है आपको, कॉन्ट्रैक्टर BBS रेडी रखना है स्टील ऑर्डर करने के लिए, उसके बाद आपको एक्सकवेशन का चाल देना, उसमें आपको चेकिंग क्या करना है मैंने वो बता दिया है, उसके बाद आपका अगर छोटा फुटिंग है तो शटरिंग पहले होगा, उसके बाद रिइंफोर्समेंट होगा, उसके बाद कास्टिंग होगा आपका। तो ये एक सेकेंड एपिसोड था, सेकेंड वीडियो था कि कैसे आपको सेकेंड स्टेप लेना है, कि ड्राइंग्स आने के बाद सेकेंड स्टेप आपका क्या होता है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो डिस्क्रिपेंसी रहेगी ड्राइंग्स के अंदर, उसी में साथ साथ आप जब काम के लिए GFC ड्राइंग आप दे रहे हैं तो उसको पहले आप खुद रीड कीजिए, एज अ इंजीनियर, एज अ कॉन्ट्रैक्टर के पास दिया आपने, बिल्डर के पास, ताकि जो एग्जीक्यूशन के लिए जाए वो प्रॉपर ड्राइंग जाए, आपका काम ना रुके, वर्क फ्रंट आपका जो है, जो आपका प्रोग्रेस है वो नहीं रुकना चाहिए। एज अ इंजीनियर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है साइट पे वो होता है प्रोग्रेस, परफेक्शन के साथ, क्वालिटी के साथ, सेफ्टी के साथ, आपका जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है प्रोग्रेस, ओके। सो आपका काम ना रुके, इसलिए ड्राइंग आपकी कंफर्म रहना चाहिए, हर चीज़ आपको रीड करके रेडी रहना है कि आपका काम ना रुके। पता चला एक डिटेल मिस हो गया, उसके बाद स्टील कटिंग ही नहीं हो रहा है, पता चला एक मेजरमेंट आपका कहीं नहीं मिल रहा है तो फुटिंग का शटरिंग ही नहीं हो रहा है, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही रीड करके रखना है, क्लियर करके रखना है, सारी कंसल्टेंट से, आर्किटेक्ट से सब कुछ क्लियर करके रखना है, ताकि एग्जीक्यूशन में कोई रुकावट ना आए, कोई टेंशन ना रहे आपको, ओके। सो ये था अपना सेकंड एपिसोड की गाइस, की प्लान आने के बाद आपको क्या क्या रेडी रखना है, क्या क्या चाल आपको क्लियर करना है, ओके। सो ये सेकंड, उसके बाद लगातार ईच एंड एवरी डे मैं कोशिश करूंगा आपको कि इस एक नया प्रोजेक्ट, जो नया सीरीज़ मैंने चालू किया, इस पर वीडियोस रहे, और एक नया प्रोजेक्ट आप ये एक एक वीडियो देखकर इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चाहे कहीं भी, यही प्रोसीजर रहता है कहीं भी, आपको जो भी कोई सा भी प्रोजेक्ट आपको करना है सेम प्रोसीजर रहेगा, इसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं रहेगा। मैं आपको लाइव ये सब जानकर, ये सब मैं खुद काम कर रहा हूँ तो वो चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी अगर छोटे लेवल से कहीं बड़े लेवल पर जा रहे हैं तो आप ईजिली वो चीज़ कर पाएँ, इसके लिए वीडियो है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ गाइज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके की प्रैक्टिकल वीडियोज़ और थ्योरेटिकल वीडियोज़ और प्लानिंग वीडियोज़ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ गाइज।